हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर सी इनसिसक लिमिटेड देखिए आज ये लगभग तेरह परसेंट भाग है ओके और ये शेयर बिगनिंग से मेरे यहाँ पर वॉच लिस्ट में रखा हुआ है मैंने लिया नहीं है ठीक है क्यों क्योंकि मेरा आ, रिस्क उस पर बैठ नहीं रहा था ये शेयर बट ठीक है अच्छा खासा ये भागा है लगभग दिन में इसने 41 के रिटर्न पर देता हुआ नजर आया ओके okay, बट मैंने सोचा कि अब आपको पर बता देना चाहिए बट हमारा एक जो ग्रुप है ओके okay, बारह सौ रुपए वाला उसमें मैंने इस इस स्टॉक्स को लगभग आठ दस दिन पहले बताया था और वहां से लगभग 40% परसेंट भागा भी है तो इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे माइक्रो कैप शेयर है करता क्या है और ऐसा क्या रीज़न हुआ और आ, क्या इसके टारगेट है और शेयर कितना और भाग सकता है उन सब चीज़ों से रिलेटेड बातें करेंगे बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा वीडियोस को जितना हो सके देखिए सीखेंगे ओके और जितना सीखेंगे उतना निखरेंगे और बाद में पैसा बनेगा ही बनेगा और लाइक कमेंट शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और डबल एट सिक्स जीरो फाइव फोर जीरो फाइव जीरो वन एट वन सिक्स नाइन टू सिक्स वन जीरो थ्री सेवन ये दोनों नंबरों पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ यहाँ पर काम कर सकते हो टू टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है किस तरीके से काम ये करते हैं थ्री मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट्स सत्रह का कोर्स है और जब यहां पर ये कोर्स कर लेंगे दुनिया की किसी भी मार्केट में स्टॉक मार्केट में जाइएगा काम करिएगा पैसे हमेशा बनते हुए नजर आएंगे बैंक सालिंग की कोई रिकमेंडेशन हम देते नहीं है और हमारा आपको पता है एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है जहां पर बारह सौ रुपए पे करके इन्हीं नंबरों पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो बारह सौ रुपए पे करके आपको ग्रुप में एड कर लिया जाएगा इन्वेस्ट फॉर एवर वेल्थ क्रिएशन ग्रुप और वहां पर फोर परसेंट फोर्टीन परसेंट वन परसेंट फोर परसेंट टू परसेंट फोर परसेंट देखिए ये शेयर को है दिख पर है के uh, रखे हुए और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर इस तरीके से भागते हुए नजर आ रहा है तो सी इंसिस टैक लिमिटेड की हम बातें करेंगे और जानेंगे ओके okay, इसके अलावा अगर किसी का पोर्टफोलियो बड़ा है साथ में काम करना चाहता है नंबरों पे कांटेक्ट करें साथ में मिलके काम करेंगे तो बेहतरीन पैसा साथ में आपका भी बनता हुआ नजर आएगा और थोड़ा बहुत फायदा हमारा भी होता हुआ नजर आएगा तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा कांटेक्ट करिए तो सी इन आ, यहाँ पर सी इनसे टेक की अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट मेगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रोवाइडर इंजीनियरिंग जो जो स्पैटिकल पेटियल एंड आई टी सोल्यूशन से रिलेटेड एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं इट सर्विस इंक्लूड जी आई सी रिमोट सेंसिंग यहाँ पर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग फोटोग्रामेट्री एज वेल एज यहाँ पर देख रहे हो आप इन एनर्जी सिस्टम एंड सोल्यूशन और अलग अलग चीज़ों के लिए ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है आई टी का ये कंपनी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस प्रोटेक्टिंग ये सारी काम ये पर्टिकुलर कंपनी करती हुई नजर आती है आप चाहो तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिए तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आता हुआ दिखाई देगा कंपनी किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है और इनका विजन क्या है कंपनी किस तरीके से यहाँ पर मोबिलिटी के लिए अलग अलग चीजों के लिए कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर देख लीजिए इस कंपनी के बारे में जाके जान लीजिए एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए ताकि यहाँ पर चीज़ें समझ में आओ और याद रखिए जो इस तरीके के मोबिलिटी इलेक्ट्रिफिकेशन देखती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड भी एक कंपनी काम करती हुई नज़र आती है और जो जिस भी कंपनी ने इससे रिलेटेड काम किया है चाहे के पी आई टी हो चाहे टाटा इलेक्सी हो उनके शेयर किस तरीके से भागे हैं आपको बताने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं होगी आप उसके विटनेस भी रहे होंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंशियर्स की तो तीन सौ पच्चीस करोड़ रुपए का मार्केट कैप है मतलब माइक्रो कैप शेयर है इस चीज़ का याद रखिएगा इसका मतलब क्या है कि भाग रहा है चार दिन में यहाँ पर इसने पांच दिन में आ, 41% परसेंट के रिटर्न दे दिया बट जब गिरेगा तो उसी तरीके से गिरता भी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कभी शेयर ने यहाँ पर 2000 2018 में टॉप बनाया दो उसके बाद देखिए शेयर कितना आधे से भी कम हो गया फिर भागा और फिर उसके बाद फिर दोबारा कम हो गया और अब दोबारा यहाँ पर उसी तरीके की रेंज में दिखाई देता है बात करें सो दस का पी है इंडस्ट्री का भी थर्टी फोर का है तो सस्ता नजर आता है बट पी के बेस पर कभी काम नहीं करना आर ओ सी की बात करें सत्रह परसेंट किया ठीक ठाक है उनतीस परसेंट का डेट है कंपनी के ऊपर और कंपनी के प्रोमोटर्स का जितने शेयर है उसका फोर्टीन परसेंट इन्होंने प्लस करके रखा है दो सौ सत्रह रुपये आज ही इसने फिफ्टी टू वीक हाई लगाया है और दो सौ इकसठ रुपए की इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू भी नज़र आती है यहाँ पर अब बात करें यहाँ पर शेयर की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स हाईएस्ट एवर आती हुई दिखाई दी है सेवेंटी थ्री करोड़ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाईस करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट इक्कीस करोड़ रुपए तो कंपनी यहाँ पर टर्न अराउंड होती हुई दिखाई दी कंपनी यहाँ देखिए हाईएस्ट ई हाईएस्ट एवर मार्जिन और इसी वजह से ये यह शेयर यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर आप देखोगे शेयर कंपनी का अच्छा खासी ये यह कंपनी यहाँ पर नजर आती है बट ओवरऑल यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा है कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर मार्जिन बेसिस पे हर चीज़ पे यहाँ पर काम कर रही है अब देखिए रिजर्व की तो कंपनी एक करोड़ के रिजर्व पड़े हुए हैं जो कि तेरह करोड़ से एक सौ तिरासी हो गए दस साल में बोरइंग की बात करें बोरइंग कंपनी के ऊपर है फिफ्टी सेवन करोड़ रुपए की छब्बीस करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैश की बात करें तो फोर्टी थ्री करोड़ रुपीज का कंपनी के पास यहाँ पर कैश भी पड़ा हुआ है पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी है तो अच्छी चीजें यहाँ पर है सारी की सारी प्रोमोटर्स के पास फिफ्टी के शेयर है जो कभी सिक्सटी के थे पहले फिर सेवेंटी की फिर सेवेंटी फाइव फिर धीरे धीरे बेच के इतना आते हुए दिखाई दिए डी की बात करें सेवन पब्लिक की बात करें 24% यहां पर नजर आता है आ, पब्लिक के पास ओके यहां पर आप देख सकते हैं 34 में भी देखोगे कुछ बड़े-बड़े ग्रुप ने यहां पर शेयर ले रखे रख रखे हैं तो आप यहां पर इन्हें इनका नाम देख लीजिए इसके अलावा यहां पर आप देखोगे तो जोडियस टेक्नोलॉजी फंड ने 5 जून को ₹187 के हिसाब से 14142000 शेयर यहां पर बेचे हैं इन्हीं ने जून को भी 180000 शेयर बेचे हैं ठीक है तो सेलिंग इस तरीके से, तो जो जो तो से इन्वेस्टेड होंगे यहाँ पर देखिए मार्च 2022 में इन्होंने इन्वेस्ट किया था तो मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो मार्च 2022 में ये शेयर कितना यहाँ पर कितना चल रहा था लगभग लगभग एक सौ तो अच्छा खासा इनका कंसोलिडेशन में टाइम गया और अच्छा खासा इनको प्रॉफिट भी हो रहा है जब प्रॉफिट होता है तो कैश इन करती है कम यहाँ पर लोग इस चीज़ को भी याद रखिएगा तो यहाँ पर आप देखिए जोडिया ने बेचे है तो ये हिस्सेदारी अब दोबारा कम होती हुई नजर आएगी ठीक है पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आती हुई दिखाई देगी बात करते हैं चार्ट से रिलेटेड बट इससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब बेलाइकन को हेट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें वीडियोज़ को देखिए सीखिए और यहाँ पर आप हमारे इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस पूरा स्टॉक मार्केट का कोर्स हमारे साथ कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और किसी को पर्सनल सर्विस चाहिए पर मेंबरशिप चाहिए क्या कब लेना है कब बेचना है तो वो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं काम करेंगे तो यहाँ पर बात करते हैं सी, सी सिस्टम की तो यहाँ पर देखिए लगभग 41 परसेंट के ठीक है 41 परसेंट के ये शेयर में यहाँ पर टारगेट दे चुके हैं शेयर ओवर बॉर्ड जोन में चल रहा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं भागेगा मुझे लगता है कि ये शेयर शायद 244 फोर्टी टू ये जो लेवल है जो ये लाइन है इसे टच करेगा इसे टच करके फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे आएगा और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यहाँ पर फंड की थोड़ी बहुत बिकवाली भी हो रही है ऐसा नहीं है कि खरीदारी हो रही है बिकवाली भी होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे चाहिए नीचे आएगी ओके और फिर उसके बाद देखेंगे एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर कितना यहाँ पर टारगेट आ सकता है और कोई भी अगर यहाँ पर बाइंग कर रहा है तो याद रखिएगा 40 परसेंट शेयर भाग चुका है और जब शेयर इतना भाग जाता है तो याद रखिए थोड़ा सा रिस्क लेवल इंक्रीज हो जाता है और जब रिस्क लेवल इंक्रीज हो जाता है तो शेयर के गिरने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर नहीं बैठता और रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर नहीं बैठता तो आप शायद यहाँ पर बाइंग करो पता चले पंद्रह क्यों क्योंकि वॉलेटाइल शेयर है कब यहाँ पर 5%, कब 10%, कभी 15 या लग जाए, किसी को नहीं पता क्योंकि मार्केट कैप की बात करें तो केवल और केवल तीन सौ पच्चीस करोड़ रुपए की कंपनी है कोई भी हिला सकता है और जो भी हिला रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर को अच्छा खासा तरीके से भगाता हुआ नजर आ रहा है टारगेट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कप और एक हैंडल जिसका अगर हम यहाँ पर बात करें कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर टारगेट क्या होंगे तो एक बार अगर शेयर ये यहाँ पर इस इस लेवल से निकलता है लगभग लगभग ढाई सौ रुपए के या दो सौ साठ रुपए के लेवल तो शेयर यहाँ से फिर डबल होता हुआ नजर आ सकता है चार सौ छिया छब्बीस रुपये के आसपास तो यहाँ से अगर आप देखो तो अच्छी खासी यहाँ पर अपसाइड मुझे यहाँ पर नजर आती है और कितने परसेंट की अपसाइड नजर आती है लगभग एक सौ पाँच परसेंट की बट अभी लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है तो मेरे पास ये शेयर नहीं है इस चीज़ को याद रखिएगा बट हाँ इसे मैं ट्रैक कर रहा काफ़ी टाइम से तो बाइंग आप को इसी तरीके के और भी शेयर चाहिए तो इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके हमारे साथ काम कर सकते हैं आपको यहाँ पर सब चीज़ें पता चलेगी सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस